आप सभी का मेरे YouTube चैनल AMJ for You में उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मैंने अपने वीडियो में शेयर किया था कि मेरा जो वीज़ा प्रोसेसिंग है कतर के लिए वो कैसे प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आज की वीडियो में मैं आगे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप अपने रिलेटिव को या अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में यही डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब AMJ फॉर यू और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी इससे रिलेटेड नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि वीज़ा होता क्या है। तो वीज़ा की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जो कि एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसका यूज़ क्या होता है, ये हमारे जो फाइनेंशियल या जो गवर्नमेंट द्वारा वीज़ा प्रोसेस या जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हुई वीज़ा की बात। इसके बाद अगर हम बात करें कि वीज़ा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो दोस्तों अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं कि आपको वीज़ा पहले लेना पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि अगर आप वहां पे जाके पहुंच के और फिर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री की किस कंट्री के साथ क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं कतर से अगर आप किसी अपने रिलेटिव को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कि वीज़ा हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा एक लीगल वे है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में भारत में रह रहे हो और आप दूसरी किसी कंट्री में जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा एक लीगल वे प्रोवाइड करता है वहाँ तक जाने में। इसके बाद आता है कि वीज़ा की जो टाइप्स हैं, मतलब कितनी प्रकार का हम वीज़ा ले सकते हैं। तो अगर हम मेन एक डिटेल में जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए अलग से लेके आऊँगा, बट अगर हम बात करते हैं कि वीज़ा के मेन जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, तो इसमें चार जो मेन हैं वो आते हैं। अगर हम बात करें, जो पहला है वो टूरिस्ट वीज़ा है, अगर आप एक टूरिस्ट के रूप में जाना चाहते हैं किसी कंट्री में। जो सेकेंड आता है वो आता है बिजनेस के लिए, अगर आप कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए कंट्री विजिट करना चाहते हैं। जो थर्ड है वो आता है वर्किंग वीज़ा, कि आप उस कंट्री में काम कर रहे हैं। एंड लास्ट जो है इम्पोर्टेंट वो है स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप पढ़ने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं दूसरी कंट्री। तो ये वीज़ा के मेन जो टाइप्स हैं वो हैं। इसके बाद आता है कि अगर वीज़ा प्रोसेस हो करना कैसे है। तो मैं अगर बात करूँ कतर की, आज की वीडियो में हम यहीं डिस्कस करेंगे। तो वीज़ा जो मेरा प्रोसेसिंग था वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शो कर चुका हूँ। मेरा अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि आप पहुँच गए, उसके बाद आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपने किसी रिलेटिव को वहाँ स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो रहेगा कि अगर आप अपनी फैमिली में वाइफ को या अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया है कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो बात करते हैं कतर के लिए, अगर आप कतर में रह रहे हो तो अगर आप अपनी वाइफ या बच्चों को बुलाना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपका इनकम है वो एटलीस्ट QAR 5000 होना चाहिए। इसके बाद आती है कि अगर आप अपने रिलेटिव को बुलाना चाहते हैं तो रिलेटिव को आप तब बुला सकते हैं जब आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एटलीस्ट QAR 10000 होना चाहिए, इससे 10000 या उससे ऊपर तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने किसी रिलेटिव को। इसके बाद बात आती है कि आप किस किस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 डिग्री में इन्होंने डिफाइन किया है। जो फर्स्ट डिग्री है उसमें आते हैं आपकी वाइफ या आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स, ये बात होती है फर्स्ट डिग्री की। उसके बाद बात आती है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में कैटेगराइज किया गया है ब्रदर एंड सिस्टर को, मतलब आपके भाई या बहन। उसके बाद ग्रैंडफादर या मदर और ग्रैंड चिल्ड्रन। जो थर्ड डिग्री है उसमें आते हैं चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर एंड पेरेंटल अंकल एंड आंट। तो ये कैटेगरीज हैं बेसिकली जिसमें इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि आप अगर
स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो किस कैटेगरी के बेस पे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं और उसका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको किसी को भी स्पॉन्सर करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। तो बात करते हैं, अगर आप अपनी स्पाउस दैट मीन्स वाइफ या हस्बैंड को या अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, तो उसके डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है कि उनका, उसके बाद प्रूफ, अगर आप वाइफ को बुला रहे हैं तो आपका जो प्रूफ है वो मैरिज सर्टिफिकेट हो जाएगा, अगर आप अपने बच्चे को बुला रहे हैं तो उसमें प्रूफ हो जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट। मैंने इसमें एक अटेस्टेड लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर आपको अपनी वाइफ या बच्चों को बुला रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट आप अटेस्टेड करवा लीजिए। उसका बेनिफिट क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अटेस्टेशन एक मैंडेटरी चीज़ है जो आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो रहेगा जो जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हो उसकी राउंड ट्रिप, दैट मीन्स आने और जाने की टिकट्स, एयर टिकट्स, वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। इसके बाद बात आती है कि आप इनके अलावा किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा वो सबसे पहली चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनका विजिटर्स का पासपोर्ट। जो सेकंड चीज़ रहेगी वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप रहेगा, उसमें आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं या पासपोर्ट की कॉपी वहाँ पे आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। एंड थर्ड जो फाइनल चीज़ है वो है राउंड ट्रिप, जो एयर टिकट्स आपकी रहेंगी विजिटर की वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये बात रही डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि आपको फीस, स्पॉन्सर का अगर किसी को कर रहे हो तो उसमें आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, अगर पहले 30 दिन के लिए किसी को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसको आपका यहाँ का कतरी रियाल दैट इज QAR 200 आपका चार्जेस लगेगा। उसके बाद अगर जो भी आपका स्पॉन्सर्ड पर्सन आ रहा है उसको आप एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। उसके लिए आपको एक मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका एक्सटेंशन करवा सकते हो। इसमें फिर वही बात आती है कि अगर आपको एक्सटेंशन किसको कितना मिल सकता है कि फर्स्ट मंथ आपके जो रिलेटिव या आपकी स्पाउस या जो आपके बच्चे वो आए उसके बाद एक्सटेंशन अगर करवाना चाहते हैं तो किसके लिए कितना एक्सटेंशन और क्या चार्जेस है। तो सबसे पहले बात आती है आपकी वाइफ या आपके बच्चों की, तो उसके लिए 5 मंथ्स, दैट इज कम्प्लीटली 6 मंथ है, तो 30 डेज के बाद आप 5 मंथ का एक्सटेंशन आप करवा सकते हो, जिसके लिए आपको पर मंथ जो चार्जेस रहेगा एक्सटेंड करवाने का वो रहेगा QAR 200। अब बात आती है कि अगर आप रिलेटिव्स को, इनके अलावा रिलेटिव्स जो हैं उनका एक्सटेंशन करवाना चाहते हो तो चार्जेस आपका QAR 200 रहेगा। उसके बाद जो मेडिकल करवाना पड़ता है एक्सटेंशन के लिए उसकी फीस है QAR 100, तो वो आपको मेडिकल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इन केस अगर आप ओवरस्टे कर जाते हो और आपने एक्सटेंशन नहीं लिया तो उसका भी एक एडिशनल चार्ज है, और वो चार्ज है आपका QAR 200 पर डे। दैट मीन्स अगर आपने 30 डेज का वीज़ा लिया है और आप वहाँ पे 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा रुकते हो तो आपको पर डे 200 QAR पे करना पड़ेगा। तो ये फीस की जो स्ट्रक्चर है वीज़ा के लिए वो है। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि आपने ये सब प्रोसेस तो फॉलो कर लिया कि किसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, बट उसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं वीडियो आप लोगों को जल्द लेके आऊँगा कि आप कहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल AMJ4U एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।